उदाहरण 5, बहुपद 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 7 में से 4x की घात 2 धन 3x ऋण 2 को घटाइए। बहुपद 9x का घात 2 ऋण 3x ऋण 7 में से हम 4x का घात 2 धन 3x ऋण 2 को घटाएंगे। चूंकि हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटा रहे हैं, इसीलिए दूसरे बहुपद का चिन्ह परिवर्तित होगा। यहाँ दूसरा बहुपद धन 4 का चिन्ह परिवर्तित होके ऋण बनेगा, धन 3 जो है ऋण 3 होगा और ऋण 2 धन 2 हो जाएगा। अब हम 9x के वर्ग में ऋण 4x का वर्ग घटाएंगे तो यहाँ गुणांक 9 ऋण 4 को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और x का वर्ग चरांक जो है वो कोष्टक के बाहर होगा। इसी प्रकार हम ऋण 3 धन ऋण 3 ऋण 3 गुणांक को कोष्टक के अंदर लिखेंगे एवं इसका गुणांक इसका चरांक x जो है कोष्टक के बाहर होगा। धन ऋण 7 धन 2 को हम एक कोष्टक में लिखेंगे बराबर 9 ऋण 4 बराबर 5 x का घात 2 धन ऋण 3 ऋण 3 बराबर ऋण 6 x धन ऋण 7 धन 2 बराबर ऋण 5। अब 5x का घात 2 धन गुणित ऋण ऋण 6x धन गुणित ऋण ऋण 5, यह हमारा हल होगा।